स्टूडेंट्स एस वी कैन, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी लोगों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी मेंबर्स हैं, सारे सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। और आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात बतानी थी कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहेगा तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे कोचिंग वाले, सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन पेरेंट्स के पास मोबाइल रहता हैगा, वो पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं क्लास वाइज अभी मैथ्स क्लास के, मैथ्स के सारे लेक्चर डाल रहा हूँगा, इसके बाद सेवन्थ क्लास के डालूंगा, आफ्टर देन इसके बाद सिक्स क्लास के डालूंगा, ऐसे करके एक एक करके सारी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है उसको कवर अप करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स के जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल रहता हैगा, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी कोई से भी क्लास के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, अगर आपका लड़का सिक्स क्लास में, अगर मैंने उसका वीडियो बनाया मैथ्स का, तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर सेवन्थ क्लास में आपका बच्चा, मैंने उसका वीडियो बनाया तो सेवन्थ क्लास में आपके पास आ जाएगा। अगर एट्थ क्लास में आपका बच्चा, उसका मैंने वीडियो बनाया तो आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पिछली क्लास में अपन लोग ने स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, अपन ने उसके ऊपर बात कर ली थी। तो अपन अब उसके एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज देख लेना, क्योंकि मौके पे चौका लगाना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, एकदम सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर वन। देखिए एग्जांपल नंबर वन क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर वन, सॉल्व टू वाई 9 इक्वल टू 4, 2y9 इज इक्वल टू 4। देखिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ये आपको एक समीकरण दिया है। मैंने आपसे क्या बताया था, समीकरण आपको जब भी दिया रहे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो चर दिया रहेगा। अब इस प्रश्न में देखिए, आप इस प्रश्न में चर कहां पड़ेगा, 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस y का मान निकालेंगे, इस y का मान, इस y की वैल्यू निकालने के बाद इस y की वैल्यू को इसी इक्वेशन में, जो आपका प्रश्न है का, इसी y की जगह पर आप y की वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद अगर आपकी y की वैल्यू जो आपको इस तरफ 4 दिया है ये आ जाती है, तो इसका मतलब जो आपने y की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट्स, वो एकदम सही निकाली है। सो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए 2y, सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन को उतार लेना है, 2y is equal to 9 is equal to 4, ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, प्लस का माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। 2y इक्वल टू 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5, ठीक है, 9 में से 4 को घटाया तो माइनस 5, माइनस क्यों आया स्टूडेंट, माइनस इसलिए आया क्योंकि 9 में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप माइनस कर रहे हैं, इसलिए कितना आया, माइनस 5 आया। आगे मूव करते हैं, देखिए टू वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है कहां चले जाएगा, डिवाइडेंड में चले जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 5/2 निकाली, ठीक है, माइनस 5/2, सॉरी ये माइनस का 5/2, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे अपन, मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में, सबसे पहले अपन इस y की वैल्यू निकालेंगे,
निकालने के बाद इस y की वैल्यू को स्टूडेंट्स वापस इसी इक्वेशन में जो आपका क्वेश्चन था उसी में आप इस y को रखकर देखेंगे। y की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, अब -5/2। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे किया क्वेश्चन को। देखिए y स्क्वायर टू -5/2, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट y की जगह पर आपने लिखा 5/2 + 9 = 4। ठीक है, ये रखा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, -5 बचा और +2 बचा = 4। ठीक है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 = 4। तो इसका मतलब क्या है, LHS = RHS। ठीक है, ये अपना इक्वल आ गया। सो जो अपन ने y की वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट्स वो एकदम सही निकाली थी। अगर y की वैल्यू में थोड़ी सी भी गलती होती तो जो RHS में 4 लिखा है इसके बराबर आपका नंबर नहीं आता। तो अपन ने देख किस प्रकार से सॉल्व किया स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कहीं संशय हो, थोड़ा सा भी कहीं बिल्कुल भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज के आप पूछ सकते हैं कि ये वाला सवाल मुझे भैया समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स। ठीक है, जब आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे इस लेक्चर को, तो जैसे ही आप ऊपर करेंगे, वीडियो चलता रहेगा तो आप ऊपर करेंगे तो वहां पर एक कमेंट लिखा रहेगा इंग्लिश में, वहां पर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो देख लीजिए आप एक बार,